कहा जाता है कि वो शरीर ही है जो सुख दुख और दर्द जैसे अनुभव करता है। आत्मा तो नश्वर है जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। लेकिन मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा शरीर को छोड़ते समय क्या क्या अनुभव करती है, इसके बारे में भी लिखा गया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी 7 अनुभूतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आत्मा मृत्यु के बाद लगभग 1 घंटे तक अनुभव करती है। तो ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, एक आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है और किस प्रकार से एक शरीर में प्रवेश करती है, इस विषय से संबंधित जानकारी हम आपको पहले की वीडियोस में दे चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आत्मा शरीर को त्यागने के पश्चात किस प्रकार का अनुभव करती है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में उस दौरान आत्मा द्वारा अनुभव किए जाने वाले मुख्यतः 7 अनुभूतियों के बारे में बताया गया है, जिनमें से सबसे पहली है अचेत अवस्था। बताया गया है कि शरीर से निकलने के कुछ देर बाद आत्मा अचेत अवस्था में रहती है, अर्थात उसे अपने शरीर त्यागने का आभास नहीं होता। उस समय वो ऐसे महसूस करती है जैसे कोई मनुष्य कठिन परिश्रम से थका हुआ गहरी निद्रा में हो, किंतु कुछ समय बीतने के पश्चात ये अचेत से सचेत हो जाती है, अर्थात अपनी मृत्यु को जान जाती है और अपनी आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार खड़ी होती है। दूसरा है समान व्यवहार। जब एक आत्मा शरीर त्यागती है तो वो कुछ समय तक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे वो शरीर के साथ किया करती थी। उसे पता ही नहीं चलता कि वो अब शरीर की साथिन नहीं रही, किंतु कुछ समय पश्चात धीरे धीरे ही सही वो इस सत्यता से अवगत होने लगती है और एहसास करती है कि शरीर में अब उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी और उसका एक नए शरीर की खोज में निकलने का समय आ चुका है। तीसरा है बेचैनी और छटपटाहट। मित्रों, जैसा कि हम बता रहे हैं कि एक आत्मा थोड़े समय बाद ही समझ पाती है कि शरीर में उसका सफर अब खत्म हो चुका, लेकिन इस अनुभूति से पहले वो अपने शरीर के आसपास खड़े सभी सगे संबंधियों को पुकारती है, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसे सुन नहीं पाता। ये देख वो आत्मा बेचैनी से छटपटाने लगती है, क्योंकि अब उसकी वो आवाजें भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक ध्वनि में बदल चुकी हैं और किसी भी मनुष्य के लिए उन्हें सुन पाना अब असंभव है। चौथा, नहीं होता संचार। एक आत्मा इतने वर्षों से एक शरीर के माध्यम से जिस सांसारिक मोह माया से जुड़ी होती है, यानी कि जो रिश्ते उसने यहाँ बनाए होते हैं, उस मोह से वशीभूत हो कभी वो अपने शरीर को देखकर दुखी होती है तो कभी अपने प्रियजनों से बात करने के प्रयास करती है, लेकिन उसके ये सभी प्रयास विफल ही साबित होते हैं। पांचवा, पुनः प्रवेश का प्रयास। ये तो गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि वो आत्मा मोहवश फिर से उस शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन तब तक यम के दूत उसे यमलोक ले जाने के लिए आ चुके होते हैं जो उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। धीरे धीरे वो आत्मा भी इस सत्यता को स्वीकार कर लेती है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। फिर क्या, ये अनुभूति उसे मोह का बंधन तोड़ने को मजबूर करती है, जिस वजह से वो अब मृत्यु लोक के लिए विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। छठा, दुखी होना। मित्रों, उस समय आत्मा को अपने सांसारिक मोह को छोड़कर जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसे सबसे ज्यादा दुख अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर होता है। उस समय उसे अपने जीवन में किए अच्छे और बुरे कर्म भी याद आते हैं, लेकिन वो अब विवश है क्योंकि उसको लेने आए यम के दूत उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जो उसे अपनी भयावह आवाज में कहते हैं, चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। और फिर उसके जीवन पर्यंत किए कर्मों के आधार पर ही यमदूत उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। सातवां, कर्म और पुनर्जन्म। अंततः वो आत्मा मृत्यु लोक को त्याग कर एक ऐसे मार्ग पर निकल पड़ती है जहाँ न तो सूर्य की रोशनी है और न ही चांद की चांदनी। उस लोक में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस मार्ग पर आत्मा को सिर्फ अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर ही कुछ समय का विश्राम मिलता है, जिनमें से कुछ आत्माएं तो अपने कर्मों का फल भोग कर जल्दी शरीर धारण करती है, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद
अपने कर्मों का फल भोगने के बाद नया शरीर धारण करती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मृत्यु के पश्चात एक आत्मा क्या क्या अनुभव करती है इसका थोड़ा बहुत अनुमान लग गया होगा। इससे जुड़ा कोई और सवाल अगर आपके मन में है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स, और फेसबुक पर देखने वाले सभी दर्शक लाइक कर लें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।